तो आज ये वर्कशीट वन हम लोग वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कि सैटरडे को, सैटरडे मींस हो गया 22 को, जो हमने वर्कशीट हम लोगों ने अपलोड करी थी, उसका वीडियो सॉल्यूशन आज हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो उसी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखिए, इसको हमें थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये हमने चीज पकड़नी है पहले। तो अब देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कितना हो जाएगा? हमने एक तरीका बताया था कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट नंबर लिखने का तरीका होता है कि जितने डिजिट नंबर पूछा जाए उतने टाइम्स 9 लिख दीजिए। तो हो गया 9 9 9 9, ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का क्या तरीका बताया था? जितना भी डिजिट पूछे उससे एक कम करके 1 के आगे उतने 0 लगा दीजिए। जैसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा? ये नंबर है यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट पूछ रहा है ये, तो 3 से एक कम कर देंगे तो 2, तो 2 0 लगा के 1 लिख देंगे। तो ये हमारा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब अगर हम इसको माइनस करें, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो अगर हम इसको यहीं पे डिफरेंस करके दिखाएं तो 9 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? तो एक बार फिर से इसको हाईलाइट करते हैं। पहली बार पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, देन आफ्टर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और उस इन दोनों का सम पूछ रहा है, यानी कि सम। तो ये इतनी चीज हाईलाइटेड है। अब देखिए, तो पहले स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हम लोग क्या करेंगे, तो यहीं पे लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर ये कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यानी कि 7 डिजिट है, तो 1 के आगे एक कम करके 6 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा? 4 डिजिट पूछ रहा है, तो 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 4 से एक कम कर देंगे। देन 1 2 3, यहां से क्यों लिखते हैं? क्योंकि राइट साइड से लिखना ही नंबर स्टार्ट करते हैं, ये आप लोगों ने सीखा होगा छोटी क्लासेस में। अब छोटी क्लासेस का मतलब ये नहीं कि आप अभी बड़े हो गए हैं। तो और 1, अब इन दोनों का पूछ रहा है सम, तो हम लोग कर देंगे सम। चलिए, 0 0 प्लस 0 0, 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 0 0 1, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अच्छा, अगर 0 देखें कोई ज़्यादा या मिस तो नहीं हो गया? ये 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? तो इसका हमने तरीका बताया था, पहले तो आप यही चीज लिख लेंगे, क्या? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अब अच्छा देखिए, जैसे कि 5 से 10 के बीच में हमने बताया था, 5 से 10 के बीच में निकालना है, तो क्या करेंगे? 5 और 10 के बीच में निकालना है, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 आएगा। लेकिन हमारे नंबर कितने होते हैं देखो जरा,
फाइव और टेन के बीच में, सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये तो होते हैं। देखिए फिर से देखती है कि फाइव और टेन के बीच में कितने नंबर होते हैं, सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो ये नंबर हो गए हमारे फोर। आ रहा है आंसर फाइव, इसका मतलब माइनस वन कर दें तो आ जाएगा फोर, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड करके माइनस करके और माइनस वन करना ही करना है। तो यही काम इसमें भी करेंगे हम लोग। पहले इसको हटा देते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर। तो ये हमारे पास में लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर, यानी कि हो गया 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ये कितना हो गया हमारे पास में, फोर डिजिट है तो एक कम करके 30, 1 2 3, ये वन। अच्छा अब इनको हम लोग कर देते हैं माइनस, क्योंकि माइनस करना है, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 एंड 9। अच्छा अब हमने बताया था कि जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें माइनस वन और करना है, तो चलिए यहां पे कर लेते हैं 9 8 9 9 9, माइनस वन करना है तो 8 9 9 8 9, 9 8 99 8, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विच इज द थर्ड स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। तो देखो सिक्स डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो पहले तो इसको हाईलाइट, इन सबको हाईलाइट करना सीख लो आप लोग, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे तो पहले उनको, उनके जो की पॉइंट्स हैं वो पकड़ना है हम लोग को, जिससे कि क्वेश्चन में गलती ना हो। तो ये हाईलाइट कर दिया हमने, ये अंडरलाइन कर दिया, तो इससे हमारे हमको ये एक मैसेज जाता रहेगा कि हमको स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट, तो कभी कभी क्या होता है कि स्मॉलेस्ट देखा ही नहीं, केवल सिक्स डिजिट नंबर देख लिया। तो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या होगा, तो पहले तो सिक्स डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट देखो, और फिर उसके बाद हमको क्या देखना है, उसके बाद फिर हमको देखना है ये थर्ड, ठीक है। तो पहले हम लोग स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर देखते हैं, तो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कितना होगा, इसको यहां से हम लोग ऐसे कर देते हैं जिससे कि मिक्स ना हो। तो सिक्स डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, तो सिक्स डिजिट है तो 5 टाइम 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 1, ठीक है। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। अब बोल रहा है थर्ड, तो इसके पीछे आओ कितना होगा। अच्छा अगर मान लेते हैं 100 है, कोई नंबर 100 है और बोले इससे थर्ड स्मॉलेस्ट बताओ, तो क्या करेंगे, -3 कर दें, 97 आएगा। अच्छा चलो लिख के देखते हैं, 100 99 एंड 98, नहीं आएगा। थर्ड हमारा क्या होगा, ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +1। अच्छा चलो एक और काम करके देखते हैं कि 10 से 4th नंबर बताओ, तो 10 माइनस 4 क्या आएगा, 6। अच्छा अब देखते हैं जरा, 10 9 8 7, तो 7 आ रहा है, इसका मतलब +1 कर देंगे। तो यही काम हमको यहां भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या तो आप लिख लो पीछे जाके, लेकिन वो हमको ज्यादा हार्ड लगेगा, क्योंकि देखो 100 और 9 और 10 या 1000 में लिखना इजी है, लेकिन 1 के आगे 5 टाइम 0 का लिखना बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। तो इसका आसान तरीका है, थर्ड बोल रहा है तो 3 माइनस कर दो पहले, तो थर्ड बोल रहा है तो 3 माइनस कर दो, अगर फोर्थ बोलता तो 4 माइनस कर देते, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस करने पे कैरी लेंगे तो 10 में 3 किया 6, सॉरी 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9,
यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 9, इतना बचा, लेकिन ये नंबर तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे लास्ट में हम लोग, लास्ट में हम लोग इसमें क्या बताया था, +1 करेंगे। तो +1 ऐसे नहीं करेंगे, इसको ठीक ऑर्डर में रखेंगे। तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लेस देन लार्जेस्ट 7-डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर। अच्छा, तो देखो पहले हमको इसमें क्या हाईलाइट करना होगा, पहले करना होगा लार्जेस्ट 7-डिजिट नंबर, फिर करना होगा स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर। तो पहले तो ये लिखते हैं, चलो तो लार्जेस्ट 7-डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 7-डिजिट नंबर। तो क्या बताया था लार्जेस्ट के लिए, जितने भी डिजिट नंबर होगा उसमें उतने टाइम्स 9 लिख देंगे। 7-डिजिट नंबर है लार्जेस्ट, तो 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब ये इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं टू लेस देन 7 लार्जेस्ट डिजिट नंबर। तो इसमें से -2 करना पड़ेगा पहले हमें, तो -2 कर दो, -2 तो कितना आ जाएगा 7 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 9 है, तो ये हो गया। अब बोल रहा है स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर, तो यहां लिख देते हैं हम स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर कैसे होगा, 1 के आगे जितना डिजिट नंबर पूछे उससे एक कम करके 0 लगा देंगे। तो 1 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया। अब इन दोनों का पूछ रहा है क्या, इन दोनों का पूछ रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे हम लोग, अब देखो डिफरेंस सिंपल है, डिफरेंस निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9 एंड 9 माइनस 1 8। तो हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर। हमको फिर से वही हाईलाइट करना है, स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर। तो ठीक है, हम लोग लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर लिखते हैं। तो कितना होगा लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब लिखना है हमको स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर। तो ये कितना हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, तो 3-डिजिट है तो एक कम करके 2 0 लगा देंगे, 1 2। अच्छा, अब बोला हाउ मैनी नंबर्स, इसमें फुल बोल रहे हैं हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हम लोग इसमें देखो माइनस करेंगे, पहले तो माइनस कर देंगे, चलो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब हमने बताया था कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें -1 कर देंगे जब बिटवीन बोलेगा। तो 9
999-1, ये क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, देन 9, देन 8, देन 999, ये हमारा इसका आंसर हो गया फाइनल। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर डिजिट्स, तो डिजिट्स आर द सिंबल, डिजिट आर द सिंबल विच मेक नंबर्स। डिजिट क्या होती हैं, जीरो से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं और इन्हीं डिजिट से मिलके नंबर बनता है, तो उन्हें डिजिट कहते हैं, डिजिट्स आर सिंबल्स। फिर बोला है व्हाट इज टू मोर देन स्मॉलेस्ट फोर डिजिट, तो पहले तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट कौन सी है हमारी, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट हमारी है कौन सी है बताओ, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट फोर की थ्री, देखो 0, 1, 2, 3, 4 एंड आगे सो ऑन 9 तक। तो अब देखो 1, 2, 3, 4 आना तो 3 चाहिए, लेकिन 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 0 इंडिविजुअली काउंट नहीं होता है, वो किसी डिजिट के साथ में लिखा जाता है और तब उसकी वैल्यू होती है। तो काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, तो इसलिए आंसर 4 आ रहा है। बिल्कुल कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा। तो ये हमारा हो गया 4 और 2 मोर यानी कि +2 यानी कि 6 आंसर आ गया हमारे पास में 6। अच्छा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, 8th में पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो अभी बताया हमने 0, 1, 2, 9 तक ऐसे चलेगा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी 1 होती है। कभी आपने सुना है कि आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो हम कहें 0, 0 से काउंटिंग कभी नहीं शुरू होती, इसलिए स्मॉलेस्ट डिजिट 1 होती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, तो देखो 0 से लेके 9 तक हम लोगों ने पढ़ा है 0, 1, 2 ये डिजिट हैं, लेकिन नंबर की बात करेंगे तो नंबर में फिर 0 इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि उसकी अकेली कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो नंबर के लिए तो डिजिट का मिलना जरूरी है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर भी कौन होगा, 1, कौन होगा, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास ये कौन होगा, हमारे पास होगा 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ 4 मोर देन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो पहले इसमें हम लोग कीवर्ड ढूंढ लें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, अच्छा, और फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये हम लोग पहले इसको देख लें, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में लार्जेस्ट पूछ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा अब बोल रहे 4 मोर देन, देखो ये बोल रहे हैं 4 मोर देन, तो 4 मोर देन बोल रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग +4 कर देंगे, तो बताओ जरा +4 करके कितना आया, देखो हम लोग इसको ऐसे ना लिखे, अगर ऐसे लिखें तो फिर आप लोग को ज़्यादा इजी रहेगा ऐड करने में, तो प्लस अगर 4 करेंगे तो क्या आएगा 9, 4, 13, 9 + 4, 13, फिर 1 इधर आया तो 9 और 1, 10, 0, 1 इधर आया 9 और 1, 10, 0, 1 इधर आया 9 और 1, 10, 0 और इधर 1 आया 9 और 1, 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये जैसे 99 है, अगर उसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 को भी ऐड करेंगे तो 6 डिजिट बन जाएगा, 3 डिजिट बन जाएगा, इसी तरीके से ये 6 डिजिट था, 5 डिजिट था, तो इसमें अगर 4 ऐड किया तो 6 डिजिट बन जाएगा। अच्छा अब बोल रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये हो जाएगा हमारे पास में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या होता है, 1 के आगे जितने डिजिट पूछ रहा होता है उससे एक कम 0 लगा देते हैं, तो 1 और 3 डिजिट है तो 2, 0 लगा दिए,
अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा है ये वन लेस, तो इसमें से वन माइनस करो। अगर हम लोग इसमें से वन माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन अगर करेंगे तो आएगा क्या, 99। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहे हैं कि सम सम पूछ रहे हैं, तो अब सम निकाल दो किसका, इसका और इसका। तो सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 एंड 3, और ये आया 99। तो 99 ऐसे अब प्लस कर दो तो क्या आएगा, 9 और 3 12, 1 9 और 1 10 0, फिर यहाँ 1 ऐसे ही, 1 2 ऐसे ही, और ये 1 ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में ये हमारी इस वर्कशीट का वीडियो सॉल्यूशन हो गया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।